क्रियाकलाप 8 गुरुत्वीय केंद्र का परिवर्तन और उसका प्रभाव। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास कीजिए। दीवार के साथ खड़े रहकर इसे पुनः दोहराइए, जैसा कि चित्रानुसार दिखाया गया है। चित्र में दर्शाई गई स्थिति में क्या आप अपने पैर के अंगूठे को छू सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इन दोनों स्थितियों में आप अपने शरीर के गुरुत्व केंद्र में क्या परिवर्तन देखते हैं? सोचिए, एक गोले और एक त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? क्या किसी वस्तु का एक से अधिक गुरुत्वीय केंद्र हो सकता है? पीसा के झुके मीनार गिरती क्यों नहीं है? अपनी पीठ पर भारी वजन उठाते समय आपको सामने क्यों झुकना पड़ता है? हमने सीखा, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं। द्रव्यमान के कारण आकर्षित करने का यह गुण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह केंद्रीकृत बल है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणित 10^-11 न्यूटन गुणित मीटर के घात 2 बटे किलोग्राम के घात 2। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड के घात 2 माना जाता है। पृथ्वी पर मुक्त पतनशील वस्तु स्मॉल जी त्वरण से गतिशील होती है। वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, मगर किसी वस्तु का भार वस्तु के ऊपर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, द्रव्यमान मास, भार वेट, त्रिज्या रेडियस, मुक्त पतन फ्री फॉल, गुरुत्वीय केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी।